रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग ट्रेडर और निवेशकों द्वारा अपनी पूंजी और हानि के रिस्क का मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। रेशियो किसी दिए गए ट्रेड के अपेक्षित रिटर्न और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग ट्रेडर और निवेशकों द्वारा अपनी पूंजी और हानि के रिस्क का मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। रेशियो किसी दिए गए ट्रेड के अपेक्षित रिटर्न और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है। सामान्य तौर पर जोखिम जितना अधिक होगा, प्रत्याशित रिटर्न की मांग भी उतनी ही अधिक होगी। एक उचित जोखिम प्रतिफल अनुपात 1:2 या 1:3 से भी अधिक हो सकता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसे देखिए और समझे कि सिक्का उछलने पर हेड और टेल कितनी बार आता है। मैं आपके साथ नोट करूंगा, फिर आपको इसको उछालने का कारण बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि सिक्के को उछालने के पीछे का लॉजिक क्या था। जब हमने 10 बार टोटल सिक्का उछाला तो उसमें से 4 बार टेल और 6 बार हेड आता है। फर्स्ट टाइम हमारा टेल आया, सेकंड टाइम हमने हेड प्राप्त किया, तीसरी बार हमने हेड प्राप्त किया, चौथी बार हमने हेड प्राप्त किया, पाँचवीं बार हमने टेल प्राप्त किया, छठी बार हमने टेल प्राप्त किया, सातवीं बार हेड प्राप्त किया, आठवीं बार हमने टेल प्राप्त किया और नवीं बार हमने हेड प्राप्त किया और दसवीं बार भी हेड प्राप्त किया। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे 10 में से 4 स्टॉप लॉस हुए और जब भी स्टॉप लॉस होता है तो हमें 1,000 रुपये का लॉस होता है। तो इस हिसाब से टोटल 4 ट्रेड में हमें 4,000 रुपये लॉस हुआ और जब भी हमें प्रॉफिट होता है यानी हेड आता है तो हमें 3,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो पर ट्रेड के हिसाब से हमें 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 4,000 रुपये का लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे कि 18,000 में से 4,000 रुपये को माइनस कर देते हैं। जब हम 18,000 में से 4,000 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में 14,000 रुपये हमारा गेन प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को हम 4,000 से डिवाइड करते हैं तो 3.5 आते हैं। तो इस ट्रेड में हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो जो था वो 1:3.5 रहा। यानी जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमें 1 रुपये के नुकसान होता है और उसी ट्रेड में हमें 3 रुपये और 50 पैसे का प्रॉफिट होने की भी संभावना रहती है। तो आपने देखा कि हमने 10 बार कंटिन्यू सिक्के को कॉइन को उछाला तो हर बार हमारे हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 50-50% ही था। हमें ये नहीं पता कि इस बार हेड आया तो नेक्स्ट टाइम हेड आएगा या टेल, हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। इसी प्रकार जब हम ट्रेड रहते हैं तो दोनों 50-50% दोनों साइड प्रॉफिट या लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस रिस्क रिवार्ड रेशियो से हमारे समझने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम लॉस लें, जब भी हमें मार्केट में लॉस हो तो हमारा छोटा लॉस हो और जब भी हमें प्रॉफिट हो तो बड़ा प्रॉफिट हो। इसलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है और टारगेट डिसाइड किए जाते हैं। टारगेट हमेशा स्टॉप लॉस के 2-3 गुना होते हैं और कभी कभी ट्रेल भी करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।